फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल. न्यू डे विद न्यू रेसिपीज. सो टुडे इज वेरी स्पेशल रेसिपी बिकॉज दिस इज माय ग्रैंडमाज फेवरेट. व्हेन शी वाज अलाइव वी यूज्ड टू कुक एवरी वीक बिकॉज शी लव्ड ब्लैक चना. एंड यू मस्ट बी हर्ड ब्लैक चना इज वेरी हेल्दी, फुल ऑफ फाइबर एज वेल एज विद प्रोटीन. सो आई थॉट व्हाई डोंट आई शेयर दिस रेसिपी विद यू गाइस. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट. लेट्स एंजॉय टुगेदर एंड डू सेंड अस फीडबैक. And do subscribe our channel for our new recipes. Let's start. काला चना बनाने के लिए मैंने 2 कप काला चना ले लिया है और इसको ओवरनाइट मैंने सोक किया है. यू कैन सोक लाइक 5 to 6 hours बट ओवरनाइट सोक करने से इट गेट्स बेटर. काले चने के लिए मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है, कस्तूरी मेथी, अनियन, जिंजर, टमाटो, गार्लिक, कोरिएंडर लीव्स एंड 1 red chili, गरम मसाला, बे लीव एंड आई गॉट ब्लैक कार्डमम, रेड चिली, सॉल्ट, कोरिएंडर सीड्स. आई जस्ट उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे पीस लिया है एंड देन आई गॉट टर्मरिक एंड क्यूमिन. सो आप अपने हिसाब से भी मसाला चेंज कर सकते हो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग. सारे जो है अनियन, गार्लिक, जिंजर, हम इसको पीस लेंगे और इसका अच्छे से मिक्सचर बना. अवर अनियन, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली मिक्सर इज रेडी. आई ऑलवेज यूज़ 1 onion, रेड वाला भी मैं यूज़ करती हूँ, रेगुलर भी. यू कैन यूज़ एनी काइंड. चना को अच्छी से मैंने 4-5 whistle दे के बॉयल कर लिया है. इट्स डन थॉरो. तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा रसीला सा रखा है क्योंकि मेरे को थोड़ा ग्रेवी भी बनाना है. बट यू कैन कीप इट लाइक विथ लेट. इफ़ यू वांट टू सूखा रखना है तो आप पानी मत डालिए. पर मैंने जो विसल दिया उसमें से ही कुछ वाटर एक्स्ट्रा डाला था बिकॉज आई वांट टू कीप इट ग्रेवी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. नाउ आई एडेड 2 tablespoon ऑयल एंड नाउ एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ऐड ड्राई रेड चिली एंड बे लीफ, जो भी सूखा मसाला है यू कैन ऐड. एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड ब्लैक कार्डमम. आई एम एडिंग बट इट्स योर चॉइस. इफ यू डोंट लाइक यू डोंट नीड टू. आई एम एडिंग ब्लैक कार्डमम. थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ दिया पर आई लाइक टू ऐड इसका छिलका भी डालते हैं. My flame is on low medium. All right. Now I'm going to add cumin. हिसाब से आप जो भी ठीक लगता है. सॉरी, एक्चुअली मैं बॉईल करते समय भी मैंने थोड़ी हींग डाली है बट आई प्रेफर मोर हींग हियर बिकॉज उससे क्या होता है आपको जो भी थोड़ा बहुत गैस की प्रॉब्लम नहीं होता इससे. सो लेट इट कुक लाइक इसको थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कोरिएंडर सीड्स का. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोरिएंडर सीड पूरे मुंह में आते हैं ना, च्यू करते हैं. आई लाइक इट अ लॉट. पॉइंट, वी आर गोइंग टू ऐड अनियन. सो नाउ वी आर एडिंग घी कैसे बिकॉज फ्लेम शुड बी लो फ्लेम पे होना चाहिए और थोड़ा पीछे होके ही हमेशा ये चीज़ें डालनी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी हॉट. अब इसको अच्छी तरह स्टर कर लेंगे. वी आर गोइंग टू स्टर नाइसली. इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक करती हूँ और उसमें अभी ही मैं क्या करती हूँ, आई एम गोइंग टू ऐड टमाटो. मैं थोड़ी सी टमाटो प्यूरी यूज़ करूँगी और थोड़े फ्रेश टमाटो. सो अगेन इट्स योर चॉइस. इफ यू लाइक टू यूज प्यूरी और टमाटो इट्स एंटायरली अप टू यू. ये मैंने लो फ्लेम पे किया हुआ है, लो मीडियम, एंड अनियन इज गेटिंग ब्राउन. एट दिस पॉइंट आई एम एडिंग टमाटो. एज आई ऑलवेज सेड, गैस को हमेशा धीरे रखना है. कभी भी गैस को तेज करके कोई चीज़ नहीं डालनी क्योंकि उससे आपके ऊपर वो जो कुछ भी ड्रॉप्स जैसे गिर सकते हैं. एंड आई एम एडिंग 1 tablespoon जो है
टोमेटो प्यूरी एंड दैट दिस इज ऑल्सो योर चॉइस, बट अगर मैंने ग्रेवी बनानी है तो इससे क्या होता है, इट विल बी डन वेरी नाइसली. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार स्लोली एंड आई एम गोइंग टू एड सूखा मसाला. ऑलराइट, इसको लो फ्लेम पे ही करना है क्योंकि पूरे तरह टमाटर को गालना है. एट दिस पॉइंट आई एम एडिंग टर्मरिक. जीरा पाउडर, रेड चिली एंड सॉल्ट, एंड आई एम गोइंग टू ऐड कस्तूरी मेथी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टर नाइसली. इट लुक्स रियली नाइस, इट स्मेल्स वेरी गुड. दैट्स द रीजन आई ऑलवेज यूज कस्तूरी मेथी. और बाद में इफ यू वांट यू कैन take out these all the dry like bay leaf or cardamom, or you can just before serving you can do these things. At this point I'm going to cover it and I'm going to let it cook for little time. Let's check now. Oh, look at it. It's cooking out very nicely. बहुत अच्छी तरह हो गया है मसाला. जो मसाला जो होता है अनियन गार्लिक जिंजर ये सारा कुछ मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कच्चा मुँह में आता है ना तो उसका थोड़ा टेस्ट ऐसे ही हो जाता है. अगर इफ़ यू वांट टू एंजॉय प्रॉपर तो इनको थोरो कुक करना है. अभी हम थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे, देन वी आर गोइंग टू ऐड कवर इट. फ्रेंड्स लेट्स चेक, मसाला इज डन वेरी नाइसली. पूरा अच्छी तरह हो गया है. अब दिस इज एट दिस पॉइंट मसाला बहुत अच्छी तरह हो गया. इसको पहले मैं हमेशा गैस लो करती हूँ. अब आई एम गोइंग टू ऐड चना. और इसका चने का इतना लुक एट दिस, लेट्स स्टर इट. बहुत ही अच्छा कलर एंड लुक्स डिलीशियस. अभी मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जो पानी मैंने बीच में डाला था आई जस्ट एडिंग दैट, बट इट लुक्स ऑलरेडी वेरी डिलीशियस. शो यू फोटोज, लुक एट दिस कलर इतना अच्छा. इफ यू आर वेजिटेबल वट एवर यू आर कुकिंग द कलर ऑफ द दैट सब्जी जो अच्छे वाला हो जाता है तो मज़ा आ जाता है. अब इसको आई विल स्टिल लेट इट कुक लाइक काइंड ऑफ लिटल मोर. सो लेट्स कवर इट. नेक्स्ट चेक फ्रेंड्स, लुक एट दिस, लुक्स रियली यमी. एवरीथिंग गॉट मिक्स. बहुत ही अच्छा लग रहा है. I can smell it, kasturi methi and everything. Now I'm going to add garam masala. आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. And then I'm going to put coriander leaves. Look, friend, it looks yummy because I like gravy. So now it's time to dish out. आप चाहो तो कम ग्रेवी भी रख सकते हो, क्योंकि कई लोग बिल्कुल सूखा पसंद करते हैं. इट्स entirely up to you. Friends, our black chana is ready. It look very healthy and delicious. I made with gravy. You can make it without gravy. And I hope you are going to like it. Let's enjoy together. Thank you.